नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? फाइनली आज वेट ख़त्म हो गया। पिछले एक साल से जो अटकलें थी मार्च के लॉकडाउन के पश्चात, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, पेपर होंगे क्या नहीं होंगे, रिज़ल्ट आएगा तो कैसा आएगा, फाइनली मार्च के अंदर पेपर भी हो गए और आज रिज़ल्ट भी आ गया। रिज़ल्ट के पश्चात आपसे बहुत कुछ बातें करने का मन था, परंतु कोरोना वायरस की वजह से बातें नहीं हो पाई। तो आज जिस माध्यम से हमने पढ़ाई की, उसी माध्यम से मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा आज के रिजल्ट के पश्चात। सबसे पहले तो मैं सभी माता पिता जो बच्चों के हैं, और उन बच्चों को जिन्होंने रिजल्ट में बहुत अच्छा किया है, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शुभकामनाएं उनके अध्यापकों को, उनकी अध्यापिकाओं को, जिनकी मेहनत की वजह से इन बच्चों का आज ये रिज़ल्ट आ पाया है। प्यारे बच्चों, आज ये जो रिज़ल्ट है आपकी एक आशाओं का एक रिज़ल्ट है। आशा जो ज़िंदगी के अंदर आप बनने की लेकर चल रहे हैं, उन आशा की किरण के अंदर एक छोटी सी किरण ये रिज़ल्ट लेकर आया है, आपको ज़िंदगी में कुछ सिखा कर जाने वाला है रिज़ल्ट। ये वीडियो मैं स्पेशली डेडिकेट करूंगा आज अपने स्टाफ मेंबर्स को, जिनकी मेहनत के बदौलत आज आप सब का इतना अच्छा रिज़ल्ट आ पाया। प्यारे बच्चों, जब हर जगह सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, उस समय में भी अगर अपने घरों के अंदर से कोई एक लाइट, एक किरण निकल कर आ रही थी, वो अध्यापकों के घरों से आ रही थी, जो दिन भर आपके लिए मेहनत करते थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे करें, बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो डेडिकेट है मेरे अध्यापकों, अध्यापिकाओं, साथी, मेरे सहयोगियों को। बच्चों, आज आप खुश भी होंगे और कुछ बच्चे मायूस भी होंगे। खुश वो होंगे जिनको फर्स्ट पोजीशन मिली है, मायूस वो होंगे जिनको सेकंड, थर्ड या जिनको कुछ भी नहीं मिला। मैं इस बात में थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा। खुशी की बात तो ज़रूर है कि आपने फर्स्ट पोजीशन आप लेकर आए हैं, लेकिन आपने जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को सुधारने की भी ज़रूरत है। फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं कि आपने सब चीज़ें ठीक की हैं, आपने बहुत सी गलतियाँ की होंगी, उन गलतियों को दूर करने का समय है ये। और जो मेरे बच्चे आज मायूस होकर बैठे हैं कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, मैं सेकंड क्यों नहीं आया, मैंने मेहनत तो इतनी की थी लेकिन मेरा रिजल्ट मेरे अनुरूप नहीं आया, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी उन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है और अपने अंदर एक नई शक्ति लेकर आने की ज़रूरत है कि आज मेरे रिजल्ट के अंदर जो भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जो अगला रिजल्ट मेरा आएगा उसके अंदर मैं जरूर इस मुकाम पर पहुंचूंगा जिसकी मैंने सोची थी। तो प्यारे बच्चों, आप मायूस मत हो। मायूस वो होता है जिसको आगे कोई रास्ता ना हो। आपके सामने बहुत बड़ा रास्ता है, आप जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आप जो भी बनना चाहते हैं उस पथ के अंदर, उस रास्ते के अंदर ये रिजल्ट एक छोटा सा स्टेप था और उस स्टेप को आप पार कर चुके हैं। उस पार करने के अंदर आपने क्या क्या बाधाएं देखी, क्या क्या आपके सामने मुश्किलें आई, उनसे आपको सीख कर आने वाले पथ के अंदर जो आगे आगे रास्ता है, उस रास्ते को और अच्छे से तय करने की बात है। उस रास्ते को अच्छे से तय करोगे तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाओगे। और हमारी मंजिल जो है वो हमें खुद चुननी होगी, किसी को देख कर नहीं चुननी कि मेरा भाई ये करता है, मेरी बहन ये करती है। आपके अंदर खुद एक कला है, उस कला को पहचानते हुए खुद आपको निर्णय लेना है आपके माता पिता की सहायता से कि आपको अपने ज़िंदगी के अंदर क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भी मायूस मत हो। आप आज से ही आने वाले समय की तैयारियां शुरू कर दीजिए ताकि आने वाले समय के अंदर आपकी जो कामना है वो पूरी हो सके। एक नई संचार, आप ऊर्जा का संचार अपने शरीर के अंदर कर दीजिए। बिल्कुल भी आप टूटिए मत, आप हारिए मत। हारते वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता।
आपके पास सब कुछ है, आपके पास अभी हासिल करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, खोने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है, केवल सारी चीजें आपके पास पाने के लिए हैं। तो मैं आपसे केवल एक ही अनुरोध करूंगा कि आप उतनी ताकत से उठ जाइए जितनी ताकत से आप नीचे गए थे, उतनी 4 गुना ताकत और लगाकर आप आगे बढ़िए और आने वाले सालों के अंदर आप अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। मेरी ऐसी आपसे अपेक्षा है और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। पुनः मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा, मैं सभी अभिभावकों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनके बच्चों ने एग्जाम के अंदर अच्छा किया है। तो प्यारे बच्चों, उठो आगे बढ़ो, ये टाइम आगे बढ़ने का है, कुछ और सोचने का नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन ऑनलाइन एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।